बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आज नया दिन है, नया व्लॉग है, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आज जैसे संडे है, व्लॉग मेरा एक दिन बाद आएगा आपके पास। तो सुबह का टाइम है, मैं तो 6 बजे की उठी हुई हूँ और नहा के फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि 6 बजे मेरी गैस आती है, गीज़र चलाया, नहावा के फ्रेश हो गए। सुबह 6 बजे उसके बाद गैस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो सालन भी बनाती रहूँ साथ ही। तो खाना भी बना लिया और नाश्ता मैं क्या करने वाली हूँ वो आप लोगों से तभी मैं शेयर करूँगी। और नाश्ते के बाद में मैंने जो है खदीजा को आज मालिश करनी है, उसको नहरा के तैयार करना है मैंने, क्योंकि आज मैंने कहीं जाना भी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खदीजा को रेडी करके भी, पहले दिखाती हूँ कि मैंने आज नाश्ते में क्या करना है, उसके बाद बाकी आप लोग के साथ आज का व्लॉग शेयर करूँगी और कहाँ जाना है ये भी बताती हूँ। तो चले पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद ड्रेसेस वगैरह निकालने हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या पहनना है, खदीजा को क्या पहनाऊंगी मैं आज। तो बस चले जी, यहाँ पे तो मेरा नाश्ता आ गया है, चाय और साथ पेस्ट्री मैं रात में लाई थी, तो बस वही नाश्ते में करूँगी। मैंने कहा चलो ये रखिए तो यही खाते हैं अभी। मैंने रेडी कर दिया है, ये कैप है इसका, ये ड्रेस है इसका, ये आ जाओ, चलो हाथ पकड़ो पकड़ो जल्दी, शायद पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। अब हम जा रहे हैं ऊपर धूप लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग छत पे आ गए हैं धूप लेने के लिए, उसको तैयार करके मैं ऊपर आ गई हूँ। बहुत ज़बरदस्त धूप है, तो बस हम यहाँ बैठते हैं, बहुत तेज़ धूप है। तो मैंने खदीजा की मालिश की थी, इसको नहलाया था, तो मैंने कहा धूप में बिठाऊँ थोड़ी देर, ठंडा लग जाए इसको, और मैं भी नहाई थी। तो दोनों धूप लेने आ गए हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे हम धूप में अच्छे से। बहुत तेज़ धूप है, आँखों पे लग रही है। और चलें जी, जैसे कि आपने देख ही लिया है खदीजा का तैयार होके कैसी लग रही मेरी गुड़िया, इग्नोर कर रही है फुल टाइम सही है। तो पहले तो मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते, जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गुजारिश है आप लोगों से, मेहरबानी होगी आपकी। तो चलें हम लोग धूप लेते हैं, फिर नीचे जाके मिलती हूँ आप लोगों से। अबू भी उठ गए थे जब मैं ऊपर आ रही थी, तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है जाके मैंने अभी नीचे, तो सोना तो अभी कैंसिल हो गया हमारा, थोड़ी देर में सोएंगे हम, फिर काम वाम करके अपने फारिग होके इसको सुला के फिर मुझे सोना कहीं जाके नसीब होना है। चलें थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। पानी हमारे मुँह से चल रही है, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं यहाँ पे, और ये है मेरा ड्रेस, ये शर्ट है ठीक है, और ये साथ इसका ट्राउज़र है और दुपट्टा भी साथ ही अंदर। तो ये शर्ट है, ऐसे दिखाती हूँ मैं ठीक है, जब पहन लूँगी तो फुल लुक भी दिखा दूँगी फिर आपको मैं, अभी फ़िलहाल ये है। और इसको साइड पे करती हूँ, और ये अरसलान ब्लैक शर्ट पहनेंगे, इनकी शर्ट प्रेस कर दी है मैंने, और ये अबू का ड्रेस भी कर दिया है प्रेस मैंने, ये सारे पहले करके रख लिए थे, लाइट का भी कुछ पता नहीं होता। और जो मेरी गुड़िया का ड्रेस है, ये पैंट है अरसलान के साथ निकाली हुई, तो कपड़े तो प्रेस हो गए थे, इसको वापस हैंग कर लूँ यहाँ पे। तो खदीजा का जो ड्रेस है वो ये है, ये फ्रॉक है, और ये मैंने खुद स्टिच किया है इसका फ्रॉक, और ये अंदर केन केन लगाई हुई है, अस्तर लगा हुआ, लाइनिंग वगैरह। ये फ्रंट से इस तरह का है और बैक से इस तरह का है, बैक से जिप लगी हुई है, लेस लगी हुई है, ये बो है, ये पीछे बांधने के लिए है ठीक है, और ये पीछे का है, ये प्लेट्स बड़ी बड़ी डली हुई है, जैसे आगे वैसे पीछे हैं, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स डली हुई हैं, और यहाँ पर ये आसिनों में भी प्लेट्स हैं थोड़ी बहुत। ये इसका ड्रेस है, इस ड्रेस के साथ ये इसका कैप है, ये इसका कैप है बना हुआ, और इसके साथ ये ग्लव्स हैं इसके, ओ धागा आ गया कहाँ से, ये ग्लव्स हैं, ये इसमें जो है मोतियाँ मैंने डाली हुई हैं, दोनों ग्लव्स हैं इसके साथ के, और इसके साथ ऐसे ही वेलवेट का रेड कलर का ट्राउज़र है प्लेन, वो मैंने ना वॉश करके रखा डाला हुआ है सूखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने वो वॉश कर दिया, फिर मैंने ड्रेस को पहले पहना दिया है, मेरी सिस्टर की शादी पे मैंने बनाया था ये, तो मैंने पहना दिया था,
मैंने कहा रखे रहेंगे ऐसे तो काम नहीं आएंगे, तो चलो आज इसको ये ड्रेस बनाती हूँ। और ये इसके साथ शूज़ हैं मैचिंग के, तो बस ये खदीजे का ड्रेस है और ये हमारे ड्रेसेस हैं। तो रेडी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी फुल फाइनल लुक अपना भी और खदीजे का भी। तो अभी जो है ये काम कर लिए हैं मैंने, अभी जो है ये ड्रेस वगैरह कर लिए मैंने कपड़े। अब मैं थोड़ा सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर रेडी होंगी, बाकी आप लोगों से फिर शेयर करूँगी। खाना मैंने जैसा बताया था मैंने सुबह ही बना लिया था, तो मैंने बनाया है चिकन कढ़ाई बनाई है। साथ इसके मैं आके जो है वो रात में जब हम आएंगे शाम में रात में, तो जब हम आएंगे तो मैं इसका बनाऊंगी मटर पुलाव या रोटियां, वो देख लेंगे। तो बाकी चिकन कढ़ाई मेरी रेडी हो गई है। खदीजा बैग दो मेरा, बैग दो मेरा, ये बैग दो मेरा, ये खदीजू बैग दो, बैग दो मेरा, खदीजा बैग दो मेरा, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा बैग है। खदीजा सो गई है, अब चाय में तैयारी करती हूँ जाने की, तो खदीजा को सुला दिए, मैं रेडी हो जाती हूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं, मैं अपनी बड़ी वाली नंद के घर जा रही हूँ। तो तैयारी करते हैं, इतने स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सो रही है। अब यहाँ पे मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, बस हल्का सा मेकअप करना है। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और कौन कौन सी फाउंडेशन यूज़ की है, कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ किए, आपको अगर फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो करें। और खदीजे की आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि पीछे से बोल रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसके लिए उसकी आवाज़ आपको आ रही है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली अपनी, क्योंकि ये उठ जाती तो फिर मुझे तैयारी अपनी छोड़नी पड़ जाती बीच में, इसलिए इसके सोते सोते ही मैं रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने इसको जो है रेडी कर दिया था, कपड़े वगैरह चेंज करा दिए, तो ये रो रही थी क्योंकि मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे। तो बस मैंने ये वीडियो बनाई है थोड़ी बहुत, और हम जाने लगे, गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर हमारी गाड़ी आ गई, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं खदीजा के, मैंने आपको बताया पप्पो के घर जा रहे हैं। खदीजा पहली बार अपनी पप्पो के घर जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तीनों, अबू आगे बैठे हुए थे तो अरसलान और मैं पीछे थे। और यहाँ पे हम पहुँच गए, और जैसे ही हम पहुँचे हैं तो यहाँ मैडम जी जो हैं हमारी वो सो गई, और यहाँ पे पहली बार इसको किन्नू खिला रहे थे खदीजा को, मज़े से खा रही थी माशाल्लाह। तो मैं अपनी नंद के घर से आ गई थी, और आके मैंने ये फटाफट मटर पुलाव बनाया है, साथ चिकन कढ़ाई के साथ जो सूप बनाया था, अभी मैं खाना खाएंगे और सोएंगे, बहुत थक गई हूँ मैं। तो बस मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।